हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। तो आज का मेरा क्लास है क्लास 11th मैथमेटिक्स। और आप लोग को सुन के ही लग रहा होगा, सर कितने दिनों बाद। नेचुरली बहुत लंबा समय हो गया। मैथमेटिक्स मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था और एकदम से वो क्लास बंद हो गया, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे। मेरे को 12th क्लास के लिए वीडियो बनाने थे, लाइव क्लास, फिर मेरान एकेडमी का क्लास, और सबसे बड़ी बात मेरा स्टूडियो का अपडेशन हो रहा था। मैं डिजिटल बोर्ड लगवा रहा था और पूरे स्टूडियो को अलग ढंग से प्रिपेयर कर रहा था आप लोग के लिए। तो आई एम वेरी सॉरी कि आप लोग के लिए मैं बहुत लेट हो गया, लेकिन अब नहीं होगा। अब 11th क्लास का तेज़ी से वीडियो बनेगा, कंटिन्यूस आपको वीडियो मिलेगा, मैथ्स का भी, फिजिक्स का भी। एक्चुअली 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रख के, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, नया चैनल एक तरह से मेरा, अभी तो साल भर भी हुए नहीं, तो मैं 12th क्लास के लिए फोकस होके किया। और 12th फिजिक्स मेरा कोर्स कंप्लीट होने को है, सिर्फ एक या दो क्लास बाकी है। अब कम्प्लीटली आपके लिए फोकस होके होगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ मेहनत करिए और हमारे पास टाइम है, बहुत आसानी से करेंगे। वैसे हमारा 11th क्लास है, 11th क्लास होम एग्जामिनेशन है, और मेरा आपको सजेशन है कि आप 11th क्लास को बहुत हड़बड़ी में और अपने स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको तैयार करिए तो ज़्यादा बेटर है। एक्चुअल में हम आगे नीट या IIT JEE का पेपर हम जब देते हैं तो 11th और 12th के कम्बाइंड सिलेबस पर देते हैं। तो बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करो, एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, ओके। चलिए, तो आज मेरा क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चन आपको कराए थे। आपको मेरा एक सजेशन है, क्योंकि लंबा गैप हो गया हमारे क्लास में, तो आप सबसे पहले यदि इसी वीडियो को आप देख रहे होंगे, बाय द वे आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, या देखा भी होगा तो मेरा आपको सजेशन है कि इसका जो मेरा फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट को आप एक बार ज़रूर देखिए। और अब मैं आपके साथ डिजिटल बोर्ड के साथ हूँ, हमने अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस किया है, अब उसी ढंग से हम तेज़ी से पढ़ाई करेंगे, ओके। चलिए, तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के ही आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। और मैंने उस दिन आपसे डिस्कस किया था, आपको याद होगा या आप वीडियो देख लेना, कि पहले पार्ट में मैंने कुछ एवरेज और इजी लेवल के क्वेश्चन कराए थे, आज सेकंड पार्ट में कुछ स्टैंडर्ड और अलग टाइप। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और आपको सिंपल क्वेश्चन को अपने से करने हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपसे बन जाएगा उसको आपको करना है, क्योंकि आप मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कमांड नहीं हो पाएगा, ओके। इसलिए आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करनी ही है। आज मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वह एक स्पेशल कलेक्शन है, और स्पेशल क्वेश्चन का मैं उसके साथ आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हम देखते हैं। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हैं। और पहला क्वेश्चन है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम, इफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम, ये गिवन है। और एक और रिलेशन दिया है अपने को, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन। तो हमको प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट, तब हमको ये रिलेशन प्रूफ करना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू फोर रूट ऑफ एम एन, फोर रूट ऑफ एम इंटू एन, कंबाइंड रूट है ना, ये हमको प्रूफ करना है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमको प्रूफ करना है, ओके। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही आपसे डिस्कस किया कि आज जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो मिसलेनियस टाइप के और टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, बाकी आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लाने में आप कर सकते हैं, और मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। तो आज मेरा क्वेश्चन का कलेक्शन है स्पेशल कलेक्शन, आप ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ करने वाले, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन हमको गिवन है और ये हमको प्रूफ करना है। तो नेचुरली आपको यहाँ से दिख रहा है कि अब हम इसको प्रूफ करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड लाने वाला
चक्कर नहीं है, यह अलग टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन है। तो आप जो प्रूफ करने वाले हैं उसको वाच करिए और उसके हिसाब से इसका आप रिलेशन, तो यहाँ पर देखो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर चाहिए, तो नेचुरली हमको इसका स्क्वायर चाहिए और उसका स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, चूंकि हमको पता है एम इक्वल, एम का वैल्यू हमको पता है क्या, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, दैट इंप्लाइज एम स्क्वायर इक्वल टू, हमको स्क्वायरिंग कर दूं और मैं स्क्वायर को डायरेक्ट कर रहा हूं लिखने के बजाय, ठीक है। तो यह हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा, क्लियर। ये हो जाएगा, इसको मैंने दे दिया रिलेशन नंबर फर्स्ट, सपोज ये फर्स्ट रिलेशन है। इसी तरह से चूंकि हमको पता है n का वैल्यू, तो n इक्वल टू हमको पता है क्या, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, इसका भी हम स्क्वेयरिंग करते दोनों साइड का, तो दोनों साइड का स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा, दिस इज रिलेशन नंबर सेकेंड। अब देखो हमको चाहिए एम प्रूफ करने में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो इसमें से हम यदि इसको माइनस कर दें, फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर दें, तो वो हमको लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा, ठीक है। तो देयर फोर हम यहाँ पर माइनस करते हैं, देयर फोर फर्स्ट माइनस सेकेंड, पहले रिलेशन में हम दूसरे रिलेशन को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ आप रिलेशन को देखो क्या होगा, यहाँ से यहाँ ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस करने से टेन स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा इस साइन स्क्वायर थीटा के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये टू टेन थीटा साइन थीटा, टू टेन थीटा साइन थीटा के साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस करने से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस रिलेशन को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा, सपोज इसको हमने दे दिया रिलेशन नंबर थ्री, ओके। तो ये हमने एक रिलेशन फाइंड कर लिया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमको राइट हैंड साइड, मतलब इसके राइट हैंड साइड का वैल्यू फाइंड करना है, तो नेचुरली वहाँ आपको दिख रहा है एम इंटू एन, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों रिलेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगेन m इंटू एन इक्वल, तो m का वैल्यू पुट करो, m का वैल्यू ये है टेन थीटा प्लस साइन थीटा और इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा, दैट इंप्लाइज आगे इसको सॉल्व करें तो m इंटू एन इक्वल, यहाँ पर देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएंगे इसका वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इंप्लाइज इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो m इंटू एन इक्वल, देखो इसको हम साइन कास में चेंज कर लेते हैं, वैसे इसको भी हमको साइन कास में चेंज कर लेना था, ठीक है, या फिर उसको बाद में कर लेंगे, क्योंकि दोनों को हमको इक्वल शो करना है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आगे तो हम सॉल्व कर नहीं सकते जब तक साइन कास में चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कास स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इम्प्लाइज एम इंटू एन इक्वल, यहाँ दोनों में से मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन करने पर यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन कास स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्लियर। दैट इम्प्लाइज एम इंटू एन इक्वल ये साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर यदि हम कास स्क्वायर थीटा को एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा और ये वन माइनस कास स्क्वायर थीटा, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर आप देखो, या थोड़ा और इजी सॉल्व करता सकता था साइन अपॉन कास, चलो ठीक है। दैट इम्प्लाइज नेक्स्ट पेज में अब लिखूंगा मैं इसको, देखो साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कास स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन टू दी पावर फोर थीटा हो जाएगा, ओके। तो एम इंटू एन इक्वल टू,
दैट इम्प्लाइज, यहाँ से मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, दैट इम्प्लाइज m इंटू एन इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन टू दी पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। दैट इम्प्लाइज टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करते हैं अपन, रूट लेते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा रूट ऑफ m इंटू एन इक्वल टू, इसका रूट लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका रूट लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। दैट इम्प्लाइज अब हम क्या करते हैं, इसको रूट ऑफ m इंटू एन इक्वल एक साइन अपान कास को हम लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा, और ये साइन अपान कास को टेन थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर एक साइन बच जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा। दोनों साइड में 4 मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर देखो जो प्रूफ करना है उसमें है क्या, देखो जो प्रूफ करना है उसमें 4 है, और यहाँ पर भी रिलेशन थर्ड जो हमने निकाले हैं उसमें क्या है, 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं आगे 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रूट ऑफ m इंटू एन इक्वल टू, यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टेन थीटा और इंटू हो जाएगा साइन थीटा। दिस इज रिलेशन नंबर 5th, मेरे ख्याल से 4 रिलेशन तक यूज हो चुका है ना, ये थर्ड रिलेशन है नहीं, 4th नंबर का रिलेशन है वो, ठीक है कोई बात नहीं, इसको हमने कर दिया रिलेशन नंबर 4। अब देखो फ्रॉम यहीं पर लिख देता हूं, देयरफॉर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ये रिलेशन को आप देखो, ये जो हमारा थर्ड नंबर का रिलेशन है वहां से आप इसको देखो, ये है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और यहां से देखो रूट ऑफ 4 एम एन का वैल्यू है 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो दोनों रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, इससे प्रूफ हो जाएगा कि देयरफॉर, डायरेक्ट यहां पर लिख देता हूं मैं, देयरफॉर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट ऑफ एम इंटू एन, ये प्रूफ हो जाएगा। आ गया समझ में आपको, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखना कि करना क्या है अपने को, हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये हमको गिवन है, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसके हेल्प से हमको ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ से हमको गाइडलाइन मिल जाता है कि पहले हमको m का स्क्वायर करना चाहिए, इसलिए हमने सबसे पहले m का स्क्वायर किया, फिर n का स्क्वायर किया, फिर m स्क्वायर में n स्क्वायर को माइनस किया, स्क्वायर रिलेशन बना लिया, फिर हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वैल्यू निकाला, और जब हम इसका वैल्यू निकाले रूट ऑफ 4 mn, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से दोनों से क्या हो गया, वो इक्वल हो गया। ओके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं देखो क्या है, हमारा जो क्लास है यदि उसमें बहुत ईजी क्वेश्चन को लेकर टाइम वेस्ट करूं तो मतलब नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पहला पार्ट जो पहला मेरा इंट्रोडक्शन क्लास होता है उसमें बेसिक फंडामेंटल के साथ मैं कुछ सिंपल क्वेश्चन करा देता हूं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन की प्रैक्टिस फिर आपको अपने से करना है, इसलिए मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आता हूं जहां मैं महसूस करता हूं कि स्टूडेंट इसको, ये मेरा बहुत लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, और पूरे एक्सरसाइज में मुझे क्वेश्चन का पहचान है कि किस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स प्रॉब्लम महसूस करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि इतने साल से मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पूरा एक एक क्वेश्चन याद है कि कौन कौन से स्टूडेंट क्वेश्चन कॉल करते हैं कि सर 4 बता दो, 9 बता दो, 13 बता दो, बाकी हमसे बन जाता है। तो मैं वही क्वेश्चन ऑफलाइन क्लास में कराता हूं, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वो ऑनलाइन क्लास में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बता सकूं, क्योंकि हमारा यहां कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं होता, तो मैं गेसिंग, मेरी एक गेसिंग है, मैं गेस कर लेता हूं कि कैसे क्वेश्चन में स्टूडेंट दिक्कत महसूस करते हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिए, बाकी आपको सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करते रहना है। ओके, चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है आज वो है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, टू अंडर ब्रैकेट साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, इसमें भी स्टूडेंट बहुत दिक्कत महसूस करते हैं, माइनस थ्री साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू -1। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हमको इसको
माइनस वन के इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पर हम इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड लाने में बहुत दिक्कत है, इसलिए यहाँ पर हम इसको पार्ट पार्ट में सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये प्रूफ कर रहे हैं अपने को, तो हम इसको प्रूफ करते हैं। देखिए, इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, इसमें बारी बारी से हम एक एक पार्ट को लेंगे। सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसका वैल्यू निकालेंगे और इसको माइनस करेंगे, तो ये प्रॉपर प्रूफ हो पाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए, ये हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का यदि हम होल क्यूब करें और इसको एक्सपांड करें, इसका विस्तार करें, तो पावर 6 आएगा। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिया, ये हमने लिया क्योंकि हम इसको ले सकते हैं, इसका वैल्यू एक्सपांड करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ से लिया आप समझना, ये लाने के लिए। तो इसको हम होल पावर 3 को जब एक्सपांड करेंगे, विस्तार करेंगे, तो क्या मिलेगा, फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला तो आप सबको पता होगा, यहाँ लिखूँ मैं, ये फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। इस फार्मूला को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ए का वैल्यू है वो ये है और बी का वैल्यू ये है, तो यहाँ पर हम वहाँ से फार्मूला यूज़ करें, तो इसका क्यूब होगा, तो क्या हो जाएगा, ये साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस बी का क्यूब, इसका क्यूब ये हो जाएगा कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस वहाँ पर होगा 3ab। ठीक है, तो हो गया 3 और a इंटू बी, तो a का वैल्यू क्या है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखता मैं, चलो 3 साइन स्क्वायर थीटा उसको मैं इरेज कर देता हूँ ना, उसका ज़रूरत नहीं, उसको आपको लिखना है तो लिख लीजिए, वैसे इसका आवश्यकता नहीं है, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया इसका एक्सपांसन। ओके, दैट इम्प्लाइज आगे इसको सॉल्व करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख सकते हैं, 1 का पावर 3 मतलब ये 1 हो गया, दैट इक्वल इसको ऐसा ही लिखो साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, दैट इम्प्लाइज यहाँ से हम इसका वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसको अकेले रखो और इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो मैं लिख बाएं तरफ रहा हूँ, तो साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा और ये इधर माइनस हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके साथ 2 भी चाहिए कोफिशियंट में, तभी से मल्टीप्लाई करके रख ही देते हैं इसमें, तो दैट इम्प्लाइज दोनों साइड में 2 मल्टीप्लाई करें, तो 2 ये हो जाएगा साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज सपोज रिलेशन नंबर फर्स्ट, इसको हमने रिलेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। इस प्रकार से हमने ये जो मैंने अंडरलाइन किया है उसका वैल्यू फाइंड किया, अब हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगेन हम जैसे अभी इसको लिए थे वैसे स्क्वायर के लिए लेते हैं, तब क्या लिख सकते हैं उसको, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तब पावर 4 आएगा। इसको एक्सपांड करें तो क्या मिलेगा अपने को, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है 2ab, तो हो जाएगा प्लस 2 और ए का वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा और बी का वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर यहाँ तक, दैट इम्प्लाइज इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 1, जैसे ये 1 हुआ था ये 1 हो जाएगा और 1 इक्वल टू इसको ऐसे ही रहने दो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ पर देखो हमको चाहिए किसका वैल्यू, साइन टू द पावर फोर थीटा प्लस कास टू द पावर फोर थीटा का। तो यहाँ पर हम क्या करें, ये जो वैल्यू है इसको अलग रखें, इतने को अलग रखें और इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं इसके साथ में। अब मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर पावर फोर थीटा प्लस कास टू द पावर फोर थीटा क्या हो जाएगा, देखो देयरफोर साइन टू द पावर फोर थीटा प्लस कास टू द पावर फोर थीटा इक्वल टू बाएं तरफ वन है तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और इनटू हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जो प्रूफ करना है उस प्रूफ में आप देखो कि इसका गुणांक, इसका जो कोफिशियंट है माइनस थ्री है, ठीक है, तो माइनस थ्री इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा दैट इम्प्लाइज माइनस थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री। कुल मिला के जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आज वो सब एडजस्टमेंट पर बेस्ड है, और एडजस्टमेंट पर जो क्वेश्चन बेस्ड होता है वो डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमें सोचना पड़ता है वहाँ पर। तो साइन टू द पावर फोर थीटा प्लस कास टू द पावर फोर थीटा इक्वल टू हम माइनस थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा सिक्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। दिस इज रिलेशन नंबर सेकेंड। अब रिलेशन फर्स्ट देखो, यहाँ पर पीछे देखो ये हमारा रिलेशन फर्स्ट है, और रिलेशन फर्स्ट में हमने यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल के रखा है, ये वैल्यू निकाल के रखा है रिलेशन फर्स्ट में, और रिलेशन सेकंड में इसका वैल्यू निकाल के रखा है। तो फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देते हैं हम, ऐड कर देते हैं। फर्स्ट और सेकंड को यदि ऐड कर दें, नाउ फर्स्ट प्लस सेकंड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास है थ्री, बाहर थ्री ना, साइन टू द पावर सिक्स थीटा प्लस कास टू द पावर सिक्स थीटा, क्या है थ्री ही है ना, ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी टू है, टू है इसका कोफिशियंट, वही मैं सोच रहा था, ये टू है, ये टू हो गया, और प्लस प्लस करेंगे लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस थ्री साइन टू द पावर फोर थीटा प्लस कास टू द पावर फोर थीटा, ये हो जाएगा, और दैट इक्वल राइट हैंड साइड में हमको क्या मिलेगा, देखो राइट हैंड साइड में क्या है, इसके इसके राइट हैंड साइड में क्या है, टू माइनस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, टू माइनस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, सॉरी सिक्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, और इसके राइट हैंड साइड में क्या है, ये है माइनस थ्री प्लस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, क्लियर यहां तक। अब आप यहां से देखो कि ये जो माइनस वाला है ये प्लस वाले के साथ में कैंसल आउट हो जाएगा, और टू माइनस थ्री से माइनस टू जो है माइनस थ्री के साथ माइनस होगा, और हमको क्या मिल जाएगा, इस तरह से अपने को मिल जाएगा ये वैल्यू, दैट इम्प्लाइज टू साइन टू द पावर सिक्स थीटा प्लस कास टू द पावर सिक्स थीटा माइनस थ्री साइन टू द पावर फोर थीटा प्लस कास टू द पावर फोर थीटा, और राइट हैंड साइड में बचा इक्वल टू माइनस वन, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, देखो यही प्रूफ करना था, टू साइन ऑफ सिक्स थीटा प्लस कास ऑफ सिक्स माइनस थ्री। ये तो ये है एक क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, जहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने से बहुत लेंदी लगता है, लेकिन आप प्रॉपर वे में बनाएंगे, प्रॉपर मेथड से बनाएंगे तो आसानी से प्रूफ होता है। यदि कोई स्टूडेंट इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड लाए तो ला सकता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन बनाने के बहुत तरीके होते हैं, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर आप यदि वैसा करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ मेरा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और अब मैं आपको इसमें और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। देखिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरा, ये प्रूफ करना है इफ कास थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल
इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू, इसका वैल्यू है रूट टू कॉस थीटा, रूट टू इंटू कॉस थीटा ये दिया है, देन देन प्रूफ दैट, तो हमको प्रूफ करना है क्या, देन प्रूफ दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रूट टू साइन थीटा, सब टेक्निक वाले क्वेश्चन है, यदि आप में इसमें टेक्निक नहीं पता हो तो इनको प्रूफ करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ओके तो ये हमारा क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू इंटू कॉस थीटा, देन हमको प्रूफ करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। ओके तो चलो प्रूफ करते हैं फिर अपन इसको, इसका प्रूफ है जो गिवन है उसको ले लो, तो सिंस अपने को पता है क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा, यह रूट टू कॉस थीटा है। अब इसका कॉन्सेप्ट यह है कि इसमें साइन कॉस को सेपरेट कर लो, माने कॉस को उधर ट्रांसफर कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा को उधर हम ट्रांसफर कर दें और कॉमन कर लें तो हमको मिल जाएगा रूट टू माइनस वन, ये जाके माइनस वन होगा, रूट टू माइनस वन, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई, अब हमको ये रूट को हटाना है तो दोनों साइड में, पूरे टेक्निक वाले क्वेश्चन है ये, पूरे टेक्निक वाले क्वेश्चन है, टेक्निक से ही बनेंगे तो शॉर्ट कट बनेंगे, अदरवाइज बहुत लेंदी होएगा। तो रूट टू प्लस वन का हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो नाउ मल्टीप्लाई रूट टू प्लस वन, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया इंटू साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा रूट टू माइनस वन इंटू रूट टू प्लस वन, दैट इम्प्लाइज आगे इसको सॉल्व किया जाए, ब्रैकेट को मैं यहाँ ओपन कर देता हूँ, तो यह हो जाएगा रूट टू साइन थीटा और प्लस साइन थीटा का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया साइन थीटा, दैट इक्वल ये दोनों ए माइनस बी, तो ये होगा कॉस थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया टू माइनस वन, क्लियर। दैट इम्प्लाइज अब यहाँ पर देखो, यह है रूट टू साइन थीटा और प्लस ये साइन थीटा, और यहाँ से मिल जाएगा क्या, टू माइनस वन माने वन, और ये हो गया कॉस थीटा, हमको प्रूफ करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू, तो देयरफॉर ये कॉस थीटा है और हम यहाँ से क्या करते हैं, ये साइन थीटा को इसके साथ में ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा देखो, तब मिलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और उधर बच जाएगा रूट टू साइन थीटा, रूट टू साइन थीटा, और यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, देखो यही प्रूफ करना था अपने को, प्रूफ करने वाला कंटेंट क्या है हमारा, ये प्रूफ करना था अपने को, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, यदि आपको ये वाला स्टेप, यदि आपको ये वाला स्टेप याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत दिक्कत होगा, मतलब हमको कॉस को एक साइड रखना है, साइन को एक साइड रखना है, और उसके बाद फिर हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो ट्रिकी हैं, ट्रिक पर बेस्ड है, बाकी सिंपल क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे मुझे मालूम है, ये सब क्वेश्चन है जो स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर नहीं बना। ओके चलिए तो समझ में आ गया हो आपको ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, देन प्रूव दैट, तब हमको प्रूफ करना है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन को हमको वन दिया है, तो हमको जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर फोर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर फोर थीटा इक्वल टू वन, ये हमको प्रूफ करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर फोर थीटा इक्वल टू वन, क्लियर।
तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको अपन। क्या करना है देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अनअकैडमी लेके आया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स जिसमें आपके सभी विषय की पढ़ाई होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स का जो फी है 2500, वो सिर्फ आपको 99 रुपीज में मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना होगा जो है जितेंद्र सर लाइव। ये कोड आप यूज़ करेंगे तो 2500 का कोर्स आपको सिर्फ 99 रुपीज में मिलेगा। देखिए इस कोर्स की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि आपको ये कोर्स 3 लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा, इंग्लिश में, हिंदी में और साथ ही मराठी लैंग्वेज में भी। महाराष्ट्र के टॉप एजुकेटर्स आपको टीच करेंगे और आपको बेस्ट टीचिंग फैकल्टी मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, रिवीजन बैचेस मिलेंगे, क्रैश कोर्स होगा और सबसे अच्छी बात आपके डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होगा और आपको प्रीवियस ईयर के महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन पेपर भी तैयार कराए जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और आप वहां पर अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड करके इस लिंक के थ्रू आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत बेस्ट है। ओके थैंक यू। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, जो गिवन उसको ले लेते हैं। देखो प्रूफ में क्या है, साइन थीटा, सिंस अपने को पता है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज अब क्या करें, हम साइन थीटा को उधर ट्रांसफर कर देते हैं या साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इंप्लाइज ये लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इंप्लाइज अब क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को हम यदि स्क्वायर करें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कास टू दी पावर 4 थीटा। क्लियर, प्रूफ करते करने को हम देखते जा रहे हैं, इस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पर देखो हमको कास चाहिए, साइन नहीं चाहिए, तो साइन को हम क्या करते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, दैट इंप्लाइज 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल कास टू दी पावर 4 थीटा, दैट इंप्लाइज अब देखो इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो यह हो जाएगा कास टू दी पावर 4 थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो जाएगा प्रूफ, ये प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, यदि आपको इसके पहले ही स्टेप में, यदि आपको पहले ही स्टेप में ध्यान नहीं आया कि मुझे क्या करना है तो प्रूफ नहीं हो पाते। तो आज जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सब के सब क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिकी क्वेश्चन है और यही इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। ओके चलिए, तो ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रिक्स पर बेस्ड है और ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार करना, आपको सभी राइटर के बुक में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए कास थीटा माइनस बी साइन थीटा, इफ ए कास थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, ए कास थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी हो तो हमको प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा। Then prove that a cos theta ना, a sin theta plus b cos theta, a sin theta plus b cos theta equal plus minus root of a square plus b square plus c square plus minus root of a square plus b square minus c square। ये रेयर ऑफ द रेयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जब तक आप स्पेशल प्रैक्टिस पर नहीं रहेंगे इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन हम किस तरह से बनाते हैं और कैसे सोचते हैं कि कैसे हमको प्रूफ करना है। देखो किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ बनाने पर आप फोकस मत किया करो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो कि क्या था तो क्या लाना था। यहाँ पर आप देखो कास ए के साथ कास थीटा का कॉम्बिनेशन है और वो साइन हो गया, यहाँ पर बी का साइन थीटा का कॉम्बिनेशन है और यहाँ कास हो गया। यहीं से आपको पता चलता है कि हमको साइन को कास में और कास को साइन में चेंज करना है।
तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को ले लेते हैं. सिंस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, ये है. अब क्या करते हैं, हमको सी स्क्वायर भी चाहिए प्रूफ करने में. देखो यहाँ से पता चल रहा है सी स्क्वायर चाहिए, यहाँ सी है, तो हम वहाँ से पता चल जाता है कि हमको इस रिलेशन का स्क्वायरिंग करना चाहिए. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हमने स्क्वायरिंग किया, और मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ स्क्वायरिंग करके ना, तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर. क्लियर यहां तक? हमने दोनों साइड का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया. देखो सी स्क्वायर हमारे यहां क्रिएट हो गया. अब मैंने आपको क्या गाइड किया था कि ए के साथ यहां पर कॉस थीटा है, लेकिन ए के साथ प्रूफ करने में साइन थीटा है. तो ए के साथ जो कॉस थीटा है उसको हम साइन बना दें. क्लियर? ए के साथ जो कॉस थीटा है उसको साइन बना दें, और बी के साथ जो साइन थीटा है उसको क्या बना दें, कॉस बना दें. और हमारे पास कॉस को साइन में चेंज करने का फार्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, तो यहां से हम इसको चेंज करते हैं. देखो दैट इंप्लाइज ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इक्वल टू सी स्क्वायर. क्लियर? अब यहां से देखो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं अपन. दैट इंप्लाइज यहां ब्रैकेट ओपन कर लें तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर. अब यहाँ पर प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में आप देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर चाहिए. तो हमको क्या क्या मिल गया यहाँ से छांटो. देखो ये हमको ए स्क्वायर मिल गया, हमको बी स्क्वायर मिल गया, हमको सी स्क्वायर मिल गया. तो सी स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं, माने इन दोनों के साथ, और बाकी को दूसरे साइड में ट्रांसफर करते हैं. लेकिन लिख रहा हूं मैं उसको राइट हैंड साइड में, ठीक है? तो क्या हो जाएगा इस तरह से देखो. अच्छा यहां से भी हम देखो क्या करते हैं, यहां माइनस जब उधर ट्रांसफर होगा उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो उसको मैं प्लस करके लिख रहा हूं. ये हो जाएगा ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये उधर जाके हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा. ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये इक्वल नहीं समझना ना, ये उंगली को क्या करता है रेस्पॉन्ड कर देता है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा. तो ये हो गया प्लस, सॉरी यहाँ लिखता हूँ मैं, प्लस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा और इक्वल राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उधर जाके सी स्क्वायर. ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा. अब ऊपर जो फार्मूला लिखा है उसको आप देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा है, जिसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. दैट इंप्लाइज अब दोनों साइड का रूट ले लें, ये होल स्क्वायर है तो दोनों साइड का रूट ले लें तो यहाँ तो स्क्वायर हट जाएगा. ये हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और इक्वल रूट ले रहे हैं तो प्लस माइनस होगा और रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये प्रूफ हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा. तो ये है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी हो तो हमको प्रूफ करना है ये वैल्यू. तो आज के क्लास में मैंने आपको जितना क्वेश्चन बताया सब स्पेशल क्वेश्चन थे, ट्रिकी थे, और यह ट्रिग्नोमेट्री के इस पोर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है. एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि मैं जो कलेक्शन आपको दे रहा हूं वो रेयर कलेक्शन है, सिंपल क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया था और यह कुछ स्पेशल क्वेश्चन के कलेक्शन थे. बाकी क्वेश्चन पर आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊँगा
इसके एंगल साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम उसके आर्टिकल्स फंडामेंटल पढ़ेंगे और आगे क्वेश्चन करेंगे, और आपको वीडियो अब कंटिन्यूअस मिलता रहेगा। हम कोर्स तेजी से कंप्लीट करेंगे, परेशान होने की बात नहीं है। ओके, थैंक यू।